लैंड माफिया ने, ड्रग माफिया ने आवाम बरादरी के ऊपर और इखलाकियात के दायरे के अंदर रहेगा। हमारी सूबाई हुकूमत बजाय के कातिलों को गिरफ्तार करे, कातिलों को कानून के दायरे में लाए, वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनकी हिफाजत कर रही है, उनको मौके फराहम कर रही है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह एक रैली निकल रही है इस्तकामत पाकिस्तान की, उसमें कातिल इश्तियारी वो भी शामिल हो गए। मैं हुकूमत बलूचिस्तान से पूछ रहा हूं, लोग किस खौफ, किस दहशत और किस बेबसी में रात को सोते होंगे कि कल का दिनों के साथ क्या होगा। क्या बलूचिस्तान वाकई इतना लावारिस है? लावारिस था वो, हमें भी एहसास था। इतना जुल्म और ज्यादती होगी आज बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, इसमें भी बहुत सारे लोगों का हाथ है। वो जब पोस्ट होके यहाँ आते हैं तो बस वो यहाँ पे फ्रॉन्ट बन के हमारे लिए आते हैं। मुल्क के धरती को, कानून को, आईन को, लोगों को कुछ भी नहीं समझ। हमें पता है कि इस गिरफ्तारियों के ना होने की वजह क्या है, इसके पीछे कौन सी कुवतें हैं, मगर हम ये ऐवानों की नहीं। बलूचिस्तान में जहां भी जुल्म होगा, ज्यादती होगी, नाइंसाफी होगी, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज हमारे साथ इतनी जाती है तो लोगों के साथ भी बहुत और कम जाती होगी। वो लोग जो कमजोर हैं, तो हमारे साथ जिनका बस नहीं चलता, उनके साथ लोग क्या जाती नहीं कर रहे हैं। अल्लाह को जरूर ये उसके हजूर में दुआ करेंगे कि अल्लाह इन बेगुनाह लोगों को तो इंसाफ मुहैया कर। मैं पूरे बलूचिस्तान के लोगों को कहता हूं कि कब तक आप लोग इन व्योपारी के सामने आप लोग बीतते रहेंगे। आपका जमीन, आपकी धरती, आपके बच्चों का हक ये चंद लोग कब तक लूटते रहेंगे? ये इलेक्शन के नाम पे जो हमारे साथ यहां फ्रॉड होता है, कब तक आप इसका हिस्सा बनते रहेंगे? चंद मखसूस लोग, एक खास टोला है बलूचिस्तान में, कभी किस इलेक्शन में किसको लाया जाता है, अगले इलेक्शन में किसको लाया जाता है, जो अच्छी बार्गेनिंग कर लेता है, जो अच्छे बूट पॉलिश कर लेता है, उसको अच्छी तरह नवाजा जाता है। आज मैं बलूचिस्तान के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि खुदारा ख्वाब खरगोश से उठें और अपने अच्छे और बुरे की तमीज करें।
कौन बाज़मीर है, कौन आपके हक के लिए बात कर सकता है, कौन आपके लिए बातें तो यहां बहुत सारी हम भी सुनते आए हैं सभी में। ये बंदरों की तरह उछल कूद भी हमने बहुत देखी, मगर जब बिकने का टाइम आया तो सबसे पहले वही बिके। क्या बुराई थी जाम की हुकूमत में, हमने भी उसकी मुखालफत की, उसके तरीकेकार की मुखालफत की, मगर अब जो बलूचिस्तान में हो रहा है 3.5 अरब रुपए में पूरा बलूचिस्तान बेच दिया गया है, बिक गया है बलूचिस्तान, एक एक चीज फॉर सेल लगी हुई है। एक नायब तहसीलदार से लेके सेक्रेटरी तक बिक रहा है, मिनिस्ट्री बिक रही है, क्योंकि हम इस चीज में शामिल नहीं थे, ना हमने खुद कुछ खाया ना लोगों को खिलाया। पहले तो चीजें बिकती थी, ठीके बिकते थे, पोस्टें बिकती थी, सेक्रेटरी बिकते थे, अब पूरा बलूचिस्तान बिक गया है। अभी तक सिर्फ रिकवरी हो रही है। मैं बलूचिस्तान के लोगों को कहता हूं, खुदारा कब तक आप लोग इस जुल्म, इस ज्याति, इस नाइंसाफी को बर्दाश्त करते रहोगे। 6 दिन से लगे हुए, 6 दिन से फरियाद कर रहे, पुकार रहे। मैंने अपने मुखालफीन की बात नहीं की, मेरे भी 250 लोग मरे। मैं कभी एक दिन ये तवक्का किसी से नहीं की कि कोई बलोच हमारी इस कबाई की लड़ाई में हमारी मदद करे, हेल्प करे। आज अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं उन मजलूमों की बात कर रहा हूं, उन मजबूरों की बात कर रहा हूं, बेकसों की बात कर रहा हूं। अगर कहीं आपको एक आवाज उठती आई, कहीं किसी ने अपनी जमीर की आवाज के मुताबिक एक लफ्ज बोला, हम तो आपके छावी हुआ हुकूमत में होते हुए, मिनिस्ट्रियों में होते हुए, आपके हर चीज में हम शामिल हुए, आपके लिए आवाज उठाई, मगर क्योंकि कदूस हुकूमत में अब तो सबको फंड मिलेंगे, अब तो सबको मिनिस्ट्री है ना, सही आपको मिनिस्ट्रियों का चार्ज तो मिलेगा ना, आपको उनके कमीशन तो मिलेंगे ना। आपने बलूचिस्तान की बात नहीं करनी, बलूचिस्तान के बच्चों की, बलूचिस्तान की भूख की, बलूचिस्तान की नाइंसाफी की, ज्यादती की बात आप नहीं करेंगे। सो कॉल्ड आप अपोजिशन होंगे, अपोजिशन के नाम पे आप ड्रामा बनाएंगे, कभी इस्लाम के नाम पे तो कभी कौमियत के नाम पे, कभी बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफी के नाम पे। जब हकीकी बलूचिस्तान की धरती, बलूचिस्तान के गरीब, प्लीज, ये उस दो मजलूमों का बाप है जो इसके दो बेटे कत्ल किए गए। एक घर से इसकी 3 लाशें निकली। फिर कहते हैं कि सदर यारबन ने उनको अगवा करके अपने साथ रखा हुआ है। मैं आप प्रेस क्लब वालों को कहता हूं, प्रेस को कहता हूं, मीडिया को, कल इनको ले जाए अपने प्रेस क्लब में, आपके हवाले मैं करता हूं, आप इनसे पूछ लें कि कौन आपके कातिल है, किन आपके मासूम बच्चों को बेगुनाह कत्ल किया, जमीन के टुकड़े के लिए। ये आज अगर हम इसको ना करते तो ऐसे कई कच्ची में और लोग होते जिनके घर भी बिकते, जिनकी जमीनें भी बिकती,
और जिनके बच्चे भी बेगुनाह मारे जाते हैं। तो ज्यादा दिन यहाँ नहीं छोड़ेगा, वो जाके बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, इसलिए कि आपको हटाए और आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जाने से पहले बलूचिस्तान के लोगों पर एक एहसान करें कि क्राइम प्रोटेक्टिव जो ऑफिसर्स हैं इनको मंदगी अंजाम तक पहुंचाए, इनसे ये जो आप लोगों को कहते हैं कि हम ये क्राइम ब्रांच, ये तो मेरे ख्याल में ये क्राइम को रोकती नहीं है, इस क्राइम को तहफुज देती है, क्राइम करने वालों को तहफुज देती है। आईजी साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो प्लीज आपका एक अच्छा नाम है, और मुझे पता है कि ये आप जैसे ऑफिसर को यहां बर्दाश्त नहीं कर सकते।